हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरशर क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैक ऑटो जेल के बारे में, जो कि 2% टोफासिटिनिब है। तो दोस्तों, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये छोटी सी क्रीम 10 ग्राम की होती है, लेकिन बहुत प्राइसी है। ये इसकी कीमत है तकरीबन 1100 रुपये, यानी ये छोटी सी क्रीम 1100 रुपये में मिलने वाली। मैं बताऊंगा आपको ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है और कब इसको स्टॉप करनी है और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। तो पहले जानेंगे इसका जैक ऑटो जेल के बारे में। इसका जो कंटेंट है, जैसे मैंने बताया आपको, टोफासिटिनिब जो होता है यूजुअली ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है और जेल फॉर्म में भी आता है। टैबलेट जो होता है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है ये कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है मैं बताऊँगा और कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये जो जेल होता है तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। एक होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जहाँ पर एक एलर्जी टाइप की रैश होती है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होती है, स्किन पे होती है, स्पेशली हैंड्स, लेग्स और आपके जो पीठ होती है, पेट, वहाँ पर भी हो सकती है। और ये मोस्ट कॉमन डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है और इसे ड्राई स्किन होता है, इच्ची होता है और एक इरिटेशन होता है। तो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस को आपको मैं यहाँ पिक्चर भी डालूंगा, आपको पता चलेगा। और उसके साथ सेकेंड कॉज जो होता है हेयर लॉस, यानी जहाँ पर आदमियों के लिए स्पेशली हेयर लॉस होते हैं तो वहाँ पर भी ये क्रीम यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको 3 यूज़ बताऊँगा, तो और एक थर्ड जो है वो विटिलिगो में भी यूज़ किया जाता है। रिसेंट स्टडीज़ दिखा रहे हैं कि विटिलिगो में भी यूज़ किया जा सकता है। तो लेकिन याद रखिए कि जो विटिलिगो में यूज़ करना है उसके रिसेंट स्टडीज़ थोड़े 50% हैं कि यूज़ बेनिफिशियल है, 50% नहीं है, क्योंकि काफ़ी अदर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि वो भी सक्सेसफुल नहीं है। तो ये क्रीम ट्राई कर सकते हैं, आपके अपने डॉक्टर से पूछ कर लें तो बेहतर रहेगा। ये 2% जो जेल होता है यूजुअली, हाँ, ये आपको कैसे काम करता है, इसका जो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है जैनस काइनेज, जो कि एक एंजाइम जहाँ पर आपकी क्या होती है स्पेशली ग्रोथ जो होती है, साइटोकाइंस जिसे कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन यानी जहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी थोड़ा रेडनेस वगैरह होता है ना, तो वो बंद करने में काम करता है। तो ये ओवरऑल आपको मिल जाएगा इसके अंदर आपको विकिपीडिया में या कहीं भी गूगल में आपको ड्रग की जो टोफासिटिनिब जो है टोफासिटिनिब वो काम करने का तरीका आपको पता चलेगा। लेकिन आप इसको यूज़ करने का जो होता है, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया वैसे यूज़ कीजिए, लेकिन आप यूज़ भी कर सकते हो, रात में एक टाइम अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर भी है। लेकिन अप्लाई करने से एक टाइम में क्या करना चाहिए आपको कि आपको वो वॉश करनी चाहिए और माइल्ड सोप और गुड मॉइस्चराइजर भी यूज़ करना चाहिए। याद रखिए सिर्फ यही जेल एक ही नहीं है जो आपको यूज़ करना है, काफ़ी सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते, मॉइस्चराइजर स्पेशली सॉफ्ट रहना चाहिए और आपको जो है ना सन एक्सपोजर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर। अगर विटिलिगो के लिए यूज़ कर रहे हो तो सन एक्सपोजर बहुत मदद करता है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। ओके, और इसके साथ साथ आप जैसे मैंने बताया कि आपका सोप जो होता है, आपका शैम्पू जो होता है, वो सब जो होना चाहिए वो सब सॉफ्ट होनी चाहिए। ये अब कब तक यूज़ करना है वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि कब तक यूज़ कर सकते हो। ओके, तो रिजल्ट्स आने टाइम लगेगा। ओके, और डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लें, तभी यूज़ करें। ओके, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, एलर्जी हो सकती है उसके साथ साथ, और कभी कभी क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा भी हो सकता है या तो रिजल्ट्स भी ज़ीरो हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन यूजुअली देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी टोफासिटिनिब के बारे में। अगर आपने यूज़ किया, कुछ साइड इफेक्ट देखे तो बताइए, ताकि हमारे दोस्तों को हेल्प हो। अगर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट करके बताइए, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, तो डेफिनेटली मैं बताऊँगा आपको कि ये कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।